हाय एवरीवन, आज हम लेफ्ट आर्म के टॉपिक पे बात करेंगे। बात ही नहीं है, लाइव करेंगे। बिल्कुल मैच के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक एक चीज को मैं फ्रीज करके स्लो मोशन में बारीक आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि एक्चुअल में एक लेफ्ट आर्म कैसा हो सकता है। साथ में छोटा बच्चा 12 साल का, बड़ा ही देखते हैं कि अगर अच्छे से बॉलिंग कर पाता है, इस प्रेशर को झेल पाता है कि वीडियो के साथ साथ वो कैसे बॉलिंग कर सकता है। तो अच्छे से मेरी बैकग्राउंड में वॉइस सुन लेना, चीज़ें समझ लेना। अगर आप अच्छे से बॉलिंग करना चाहते हैं ना, बड़ी काम की बात है। अगर पूरा वीडियो देखोगे ना तो लाइक करें, बगैर रह नहीं पाओगे। बॉइस करना। हाँ। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जंप देख लीजिए आप, फिर उसके बाद बैकफुट लैंडिंग एकदम परफेक्ट है, और फिर क्रीज का यूज़ किया था उस शॉट को मैंने यहाँ पे अपलोड किया, और फ्रंट लेग पिवट कमाल का है। थोड़ी सी कमियाँ है, वो वर्क कर रहा है। बच्चा छोटा है तो उसको तराशा जा रहा है, हल्के हाथों से समझाया जा रहा है, क्वालिटी पे वर्क किया जा रहा है। जरा आप एक चीज़ को नोट करना जो मैं बोल रहा हूँ, स्लो मोशन में देखिए, एक्शन स्मूथ है। और आप लैंडिंग देखिए, बैकफुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग बेटर है, और कॉन्फिडेंस कमाल का। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, और ये देखिए, फिर से आप स्टांस देखिए, एकदम परफेक्ट है, एकदम नॉर्मल स्ट्राइड है, जो कि बहुत अच्छा एक संतुलन आपको क्रिएट करके देती है। अगर आपकी थोड़ी सी कमियां भी होती है ना, अगर आपकी स्ट्राइड अच्छी है तो आप कंट्रोल कर लोगे और आप मैनेज कर लोगे, और अपना जोर अजमाइश अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है, देखिए पूरी तरह। और सबसे आपको एक अहम बात बता दूं, नया बॉल से बॉलिंग कर रहा है, और आप देखना कैसे बैट्समैन को रिसीव करेगा, टर्न भी होगा बॉल और एयर में चलेगा भी, और दो बैट्समैन आउट होंगे 3 ओवर के अंदर। और ये देखिए कितना अच्छा स्पिन बॉल, और एक रिसीव होगा और एक, दोनों ही रिसीव होंगे, और एक शॉर्ट कवर पर एक स्लिप में। ये देखिए मतलब स्टेप आउट करने के लिए तैयार है बैट्समैन, बट एयर में बॉल इतना अच्छा चल रहा है कि इतना आसान नहीं होता। जब कोई क्वालिटी बॉलर बॉल डाल रहा होता है ना, तो अच्छे अच्छे के पत्ते शो हो जाते हैं। और आप ये टर्निंग ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छा पार्ट ऑफ विकेट है। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये स्टेप आउट किया बॉल, और ये शानदार बॉलिंग, और इसके साथ विकेट मार बैठे, और ये एक अच्छा बैट्समैन है यार। इसने 100 बनाया लास्ट मैच में, और मैं इसे जब भी देखता हूँ 50-60-100 रन बना देता है। बहुत ही कमाल का टेम्परामेंट है इस बैट्समैन का। बट क्या होता है कि जब एक क्वालिटी बॉलर बॉल डाल रहा होता है ना, और जब आपके रन्स नहीं निकल रहे होते, तो फिर आपका जो माइंड का लेवल है ना, वो काम करना बंद कर देता है, खासकर उन प्लेयर की जो 16-19 के हैं। और जो क्वालिटी बॉलर होते हैं, चाहे वो 12 साल का चाहे 19 साल का, वो आपको सिमटा देता है, जैसे कि इन्होंने सिमटाया। शॉर्ट कवर डाला और इनवाइट किया स्टेप आउट के लिए 2-3 बार, लेकिन वो करा नहीं, फिर थोड़ा सामने खिलाया, ऊपर खिलाया, और फिर भी डिसी, और फिर इसी चीज़ को से वो डिसीव हो गए और आउट हो गए। कमाल की बॉलिंग, बड़ी देखने लायक बात है। अब हर एक चीज़ को नोटिस करना जो जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए एकदम बीच में बॉल, कोई फुट मूवमेंट नहीं, और बीट हो गए। ये देखिए एकदम परफेक्ट बॉल, थोड़ा सा तेज डाला, सीधा रह गया। वेरिएशन और वैरायटी कमाल की है बॉलिंग के अंदर। स्पीड वेरिएशन बहुत अच्छा है, जो कि इसको अच्छे से तराशा गया है, और वो दिखता है बॉलिंग में, चाहे ओपन का मैच हो चाहे फिर अंडर 19 या 16, 12, 13 की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और आप इस बॉलर के स्टैट्स देख सकते हैं। मैंने इसलिए अपलोड किया कि यार बहुत से लेफ्ट आर्म है। ये देखिए जरा स्टांस देखिए बॉलिंग का, ये देखिए परफेक्ट जगह पर बॉलिंग हो रही है। देखते रहिए, हर चीज़ बड़ी कमाल की है स्लो मोशन में। मैंने यार अपलोड इसलिए किया कि कोई लेफ्ट आर्म है, कोई स्पिनर अच्छा है, अगर उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही, गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो फिर आए चैनल पे और अपनी जो क्वारीज हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो पूछे, और शायद से उसका उसकी हेल्प हो जाए, कुछ किसी अच्छे बच्चे की हेल्प हो जाए। ये बच्चा सिर्फ यार इतना छोटा बच्चा, इतनी कमाल से, इतनी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करता है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेंटल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ साथ आपको कैसे बेसिक्स पे काम करना है, इसने वो किया है और अभी भी कर रहा है। देखिए इस बैट्समैन ने ना छक्का लगाया था इस बॉलर को, और वो भी दूर की बॉल थी। इस बार क्या क्या रूम नहीं दिया बैट्समैन को, समझा कि यार इसका फुट मूवमेंट की जो रेंज है बहुत ही सीमित है, जरा इसको ब्लॉक किया जाए। और ये देखिए शॉट भी रॉन्ग था, लेकिन पवेलियन की राजी तो कभी कभी दिमाग से ढीली जाते हैं, जैसे कि इस बॉलर में ये थोड़ा बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू एज। ये बॉलिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है, बैट्समैन थोड़ा सा ऊट पटांग शॉटे मार रहा है, तो इतना ज़्यादा ना आपको मज़ा नहीं आ रहा, बट एक अच्छे बैट्समैन को इन्होंने आउट किया, तो वो देखिए डिफेंस। ये देखिए बॉल, देखिए जरा चारों खाने चित बैट्समैन, टर्न शार्प हो रहा है, ड्रिफ्ट प्रॉपर है। थोड़ा सा यार काम ये करना है कि थोड़ा साइड से बॉलिंग, सामने से और बॉलिंग करे लड़का। इस पे मैं बहुत ही ध्यान दे रहा हूँ इस चीज़ पे, बट मैं कुछ और चीज़ों पे वर्क कर रहा था, तो इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही ईजी चीज़ है, वो भी करेंगे। ये देखिए कमाल की चीज़ें हैं, थोड़ा सा हेड पे भी काम करना है। कभी कभी ज़्यादा जोर लगाता है ना बच्चा छोटा है, तो हेड वेड हिल जाता है, तो उस लिमिटेशंस को मैंने इसको समझा रखा है, बेटा अपनी लिमिटेशंस में बॉलिंग करनी है। जो भी मैंने बैकग्राउंड में आपको साथ साथ बताया, बॉलिंग के साथ साथ फ्रीज करके स्लो मोशन में करके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर देख रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ बारीकी
सबसे बड़ी बात है ना, आप जितने भी बॉलर्स हैं यार, अगर आप बेसिक्स आपके अच्छे हैं, आप टेक्निकली राइट है ना, तो फिर आपके अंदर जो क्वालिटी ऑफ लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए कैपेबल रहते हैं, आपकी क्लास ही अलग होती है। अब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपने नोटिस किया, जो भी मैं बात बता रहा था कि बैक फुट लैंडिंग कितना मस्त है, फ्रंट फुट लैंडिंग कितना मस्त है, आपका जो जो आपकी स्ट्राइड है कितनी निकलनी चाहिए कि आप एकदम कंफर्टेबल रहें, ये सारी चीज़ें ना अगर आप समझते हैं एज ए गुड बॉलर तो आप कंट्रोल में रहेंगे। और जो खिलाड़ी कंट्रोल में रह सकता है ना, कंट्रोल में अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने लगता है, तो इट मीन्स वो अपनी गेम को मैच्योरिटी के लेवल तक ले जाता है। तो गाइस एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक एक चीज़ है, स्टेप बाई स्टेप आप समझिए, उनको लर्न कीजिए और फिर धीरे धीरे उनको एग्जीक्यूट कीजिए। और लेफ्ट आर्म स्पिनर ना सिर्फ 12 साल का, और ये ओपन के मैचेस खेलता, सारे खेलते हैं यार, मैच रुकवा के बीच में जाना और फिर एम्पायरिंग की जगह खड़े होकर वीडियो बनवाना थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट एनालिसिस करना था कि मैच में भी कोई लेफ्ट आर्म बॉल डालता है तो उसका मतलब कैसा रहता है, एटीट्यूड कैसा रहता है, वो कैसे बॉलिंग करता है। तो ये चीज़ मैं मतलब एज ए जितने भी लेफ्ट आर्म देख रहे हैं उन्हें लाइव दिखाना चाहता था कि उनको एक्चुअल में पता लग जाए कि लेफ्ट आर्म के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, लेफ्ट आर्म का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। यार मैंने 2-3 ओवर का इनका स्पेल बनाया और उन्हें 2 आउट कर दिए, और एक बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रोक प्लेयर था, उसने छक्का भी लगाया बट उसके बाद उसको थोड़ा सा पहले रूम दिया, फिर थोड़ा सामने आया, उसको फंसाया और स्लिप में, और दूसरे को खींचा स्टेप, पहले थोड़ा सा इनवाइट किया, थोड़ा बाहर बॉल था, बैट्समैन नहीं गया बॉल तक, फिर उसको थोड़ा सा विकेट के सामने किया, थोड़ा सा और ऊपर किया, ललचाया, शॉट कवर डाला और उस अच्छे बैट्समैन को भी पवेलियन की राह दिखाई जिसने अपने लास्ट रन बनाए थे। तो लेफ्ट आर्म की ना क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये माइंड से बहुत अच्छा है, उम्र से कुछ होता नहीं है, बट आपकी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीव अच्छा है ना, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को धारा सही कर देंगे, चाहे आप बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। तो एक एक बात मेरी अच्छे से नोटिस करना, और गाइस काम अपना करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।